प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। प्रिय विद्यार्थियों, आज 10वीं क्लास का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, बात कर लेते हैं लाइट की। लाइट क्या होती है? लाइट को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट को डिफाइन करेंगे, क्या होता है लाइट असल में? ठीक है, लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लाइट के बारे में पढ़ते हैं हम। लाइट क्या है? ये जो फॉर्म है, किसकी फॉर्म है? एनर्जी की, ठीक है ना? सही है। और क्या है लाइट? लाइट से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना? और हमारे चारों ओर जितने भी फिनोमिना होते हैं, ठीक है, उसमें लाइट का ही योगदान है। और लाइट किस, कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं हम? सनलाइट की, ठीक है। और क्या करती है लाइट से हम क्या मिलता है? देखिए, लाइट से एनर्जी तो मिलती है, और हम क्या कर सकते हैं? और क्या करती है लाइट? विच हेल्प एज टू, क्या करती है, किसमें सहायता करती है? टू सी ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को देखने में सहायता करती है लाइट। किसी को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, ठीक है ना? तो सनलाइट जो होती है वो हमेशा प्रोपेगेट करती है, किसमें प्रोपेगेट करती है? सीधी लाइन में, बोले तो स्ट्रेट लाइन। जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये एक आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। आपने एक डार्क रूम में देखा होगा, एक होल से जो सन की जो रे आती है वो आपने देखी होंगी, तो देखना आप सीधी आएंगी, स्ट्रेट आएंगी, सीधी सारी की सारी जो रे हैं लाइट की वो सीधी आएंगी। तो यहाँ पर हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया भी, लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या कर, हमारी सहायता कैसे करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी सहायता करती है लाइट। और लाइट क्या करती है? लाइट प्रोपेगेट करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना? डियर स्टूडेंट, लाइट के बारे में आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट याद करना है। आप पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में। दोस्तों, अब रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। इसको रफ कर देता हूं। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में बात करते हैं। बता देता हूं एक बार, और यहां पर इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है लाइट का। यहां से हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये प्लेन मिरर है डियर स्टूडेंट, ये क्या है कि प्लेन मिरर है, ठीक है ना? इसके आगे आप देखेंगे ये नॉर्मल होता है, क्या होता है? नॉर्मल, ठीक है। और ये जो रे होती है हमारे वाली,
जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे की बात कर लेते हैं, इस रे का नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे क्या करेगी, एक प्लेन मिरर के साथ टकराएगी और बैंड हो जाएगी उसी मीडियम में। ये दो मीडियम है, मीडियम वन और मीडियम टू, इसको रेयरर मीडियम बोलते हैं और इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर हम बात करेंगे, ये जो इनकी डायरेक्शन हमें दिखानी है, इंसिडेंट रे इधर से आई, नॉर्मल से टकराई और कहां पर बैंड हो गई, ठीक है ना, नॉर्मल से इधर पहले ही मीडियम में वापस चली जाती है। अब इसमें आपको ये देखना है, जो ये रे है इसका क्या नाम है, इसका नाम तो क्या था, इंसिडेंट रे, और इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इसलिए नाम है इसका क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्ट हो गई नॉर्मल से, ठीक है, उसी मीडियम में, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, इससे आगे बात कर लेते हैं, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल आर, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां से हमने सीखा कि जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कराते हैं इंसिडेंट रे का, वो है जो रे आपकी उसी मीडियम में गमन करेगी, ठीक है ना, उसी मीडियम में गमन करेगी, वो अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। और क्या सीखा हमने, और सीखा जो एंगल आई है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का बनता है, और एंगल आर है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का बनता है। यहां से हमने ये तो सीख लिया, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा जो रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट है इसको डिफाइन करने का एक ही है कि हाई पॉलिश जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सच एज ए मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, ज्यादा से ज्यादा लाइट फॉलिंग होती है यहां पर गिरती है, ठीक है, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो पढ़ लिया आपने, इसके लॉ के बारे में और पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, दो लॉ दिए थे अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन के, टू दो लॉ है दोस्तों, ठीक है। पहला लॉ क्या है, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और क्या नाम इसका, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या करेगी, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। कौन कौन सी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द सेम प्लेन लाई, एट द सेम प्लेन, एक ही मीडियम में लाई करेंगे, कौन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, दूसरा लॉ क्या था इसी के अंदर, यही भी बताया था कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये आपको मान लीजिए यहां से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ एंड एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेन करना है, ये तो डायग्राम बनाना अच्छा सा, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर देता है, करना है कैसे करेंगे, भी हाई पॉलिश सरफेस एरिया है, ठीक है, मिरर का जो रिफ्लेक्ट करता है किसको, लाइट को, जो इसके ऊपर फॉलिंग होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो जो लॉ है ये आपको लिखने हैं कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर
द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ले एंड द सेम प्लेन, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, यहां से अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कंटेंट जो आपका स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है देखिए, स्फेरिकल मिरर की जो डेफिनेशन है वो पेपर में पूछ सकता है, ठीक है एग्जामिनर, इसलिए आपको स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्या करता है, होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है किसका, स्फेयर का और स्फेरिकल, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की और कॉनवेक्स मिरर की। देखिए कॉनकेव मिरर जो है इनवर्ड होता है, ठीक है ना। इसको डिफाइन करना आ जाए तो कैसे करेंगे, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, इधर वाला जो है ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये क्या है, पॉलिश सरफेस है, यहां पर पॉलिश की गई है, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, कहां से, इनवर्ड से। कॉनकेव मिरर में ये प्रॉपर्टी है कि इनवर्ड में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं कॉनवेक्स मिरर की, इसमें आउटवर्ड होगा रिफ्लेक्शन, जहां पॉलिश सरफेस होगा, ठीक है ना, उधर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कॉनकेव जो मिरर होता है वो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ये सेंटर होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर वाला, और बाहर होता है पॉलिश सरफेस। इसमें क्या होगा, अंदर जो होगा वो पॉलिश सरफेस है और बाहर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आउटवर्ड है। तो इसके अंदर सीधी सी बात है, कॉनवेक्स मिरर में आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होगा और कॉनकेव मिरर में इनवर्ड रिफ्लेक्शन होगा। ये दोनों का दोनों मिरर के बारे में अब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर के बारे में अब इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है, देखिएगा। देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इमेज को, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में, किसकी सहायता से, मिरर यूजिंग रे डायग्राम की सहायता से। देखिए कॉनकेव मिरर की और कॉनवेक्स मिरर की दोनों की बात कर लेते हैं यहां से, ठीक है ना। यहां से देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो मान लीजिए ये तो पोल होता है, ठीक है, ये सेंटर होता है और ये क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पर कोई इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रे आई किसके स्ट्रेट आई, प्रिंसिपल एक्सिस के, इस रे का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, पोल, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहां से जो रे आती है वो रिफ्लेक्टेड होकर के कहां से गुजरेगी, जो रे आती है वो कहां से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, क्योंकि गुजरनी थी सेंटर से, ठीक है। और इधर वाले में बात कर लेते हैं कॉनवेक्स मिरर में, उसमें क्या होगा, जो रे आती है ये कहां से गुजरेगी, यहां पर इसके फोकस होता है और यहां पर सेंटर होता है, ठीक है, ठीक है, दोनों से गुजरेगी, फोकस से और सेंटर से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगला डायग्राम की, जो इसमें ये नियम से हैं आपको याद करने हैं,